माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हो, अल्लाह नज़रे बद से बचाए। ले आए जी पाशा भाई, ले आए। दिल खुश किया तूने। पाशा भाई पैसे पूरे हैं ना? लगता है तू पाशा को जानता नहीं चौधरी। पाशा भले बेईमान से ही धंधे के असूल जानता है। पाशा निकलो अब यहां से। बहुत बहुत मुबारक हो जी। खैरियत मलिक साहब? कोई खैरियत नहीं है मियां साहब। मलिक साहब क्या हो गया है? आपकी बेटी रात को किसी लौंडे के साथ भागी है। का वास्ता मलिक साहब, ऐसी बातें ना करें। क्या लक है? बैठे तो सही मलिक साहब, बैठकर बात करते हैं। बेटा बेटा आप तो बैठो। मलिक साहब बात तो सुने। मियाँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। वो मियाँ जी छोटा मुंह बड़ी बात, वो सुना है कि आपकी बेटी वापस आ गई है? क्या सुना है जी आपने मेरी बेटी के बारे में?
वो सुना है कि निकाह के बाद मतलब घर वापसी हो गई उसकी। ये आपने कहाँ से सुने? बस एक ताल्लुक वाले पता लगा है बस। ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, उनका कोई घरेलू मसला चल रहा है तो वो उसका मसला है। खैर, आपने ये बात कहाँ से सुनी? बस एक है जानने वाले। कहाँ से सुन लिया बताएं तो? बस वो निकाह में शामिल थे, वो मौलवी साहब, उन्होंने बताया। ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। चले ठीक है। पता नहीं किसने नजर लगा दी हमारे हंसते भस्ते घर को। इस लड़की ने तो मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये जिस लड़के से छुप छुप कर मिलती थी ना, ये सब ड्रामा उसी की वजह से। बाबा जिस रात में भेड़िए भौंकते हैं उस राह पे उल्लू पहरा देते हैं, काले हैं चेहरे सारे, क्या कहूँ कौन इनमें अपने हैं। मैं हूँ एक जंगल में जिसमें सुना है लोग